और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर प्रमोशन के बारे में, मनी के बारे में, फैमिली लाइफ ग्रोथ, इन सब के विषय में और बिजनेस सर्विस किस सेक्टर में ज़्यादा इनको प्रॉफिट या प्रोग्रेस मिलने वाला है उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले प्रोग्रेस की बात करें यहाँ पे, तो आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक प्रकार से मर्ज होकर के लंबे अरसे तक चल रहा है, तो ये एक प्रकार से प्रॉपर इंडिपेंडेंसी को नहीं इंडिकेट कर रहा है। यही रीज़न है कि आप अभी भी कमा रहे हैं लेकिन सेल्फ पर आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता, आपके फैमिली पे या अदर सारी चीज़ों पे चल जाता है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट होती है उसके बाद से व्यक्ति अपने अनुसार ज़िंदगी जीने लगता है और अपने ऊपर अधिक ध्यान देना, खुद प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करने लगना, खुद के ऊपर खर्चे करना, प्रमोशन होना, वो सारी चीज़ें फिर स्टार्ट होती है। तो यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है प्रोग्रेस, वो अप्रोक्सीमेटली 24 एज है, क्योंकि इस अगर पाम में देखें तो बहुत माइनर सी एक लाइन यहाँ पर प्रोग्रेस की ओर जाते हुए देखने को मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेटली 24 ईयर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। 24 ईयर से लाइफ बहुत अच्छी चेंज हो जाएगी क्योंकि लाइफ लाइन माइंड लाइन चेंज हो रहा है, तो उस कारण से एक प्रकार से एनालिसिस की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगा और ग्रोथ भी मेंटली और फाइनेंशियली और लाइफ के अनुसार भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी आपके बहुत अच्छे चेंजेस रहेगा। दूसरी बात यह है कि मनी आता है लेकिन रुकता नहीं। तो देखिए, आपका जो फिंगर है उसमें एक तो गैप भी मेंटेन हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को ही बताता है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़े खुले विचार वाला ज़्यादा होता है और यही रीज़न है कि खर्चीलापन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो पैसा को रोक पाना या टिका पाना अपने पास थोड़ा आपके लिए मुश्किल है। और यहाँ पर भी देखें तो ये फेट लाइन थोड़ी सी ज़्यादा जो है मजबूत नहीं है और यहाँ पर भी मरकरी लाइन डिजॉल्व हो रही है, तो इस कारण से मनी ट्रायंगल प्रॉपर ओपन है। तो यही रीज़न है कि धन बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। आपके लेफ्ट पाम पे भी ले चलते हैं अभी डायरेक्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी आप इंडिकेशंस अपने देख पाएंगे, साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फेट लाइन निकली है लेकिन उसके पहले यहाँ पर मरकरी लाइन चल रही है और ये माइंड लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखें तो वापस से आपकी मरकरी लाइन डिजॉल्व हो गई है। तो ये बताता है कि लाइफ में मनी तो आपके कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा लेकिन अगर सेविंग की बारी आई तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए मेरी तरफ से यही राय है कि जब भी आपके पास पैसा है, सबसे पहले तो इस पैसों को गुप्त रूप से रखिए, किसी के नज़र में नहीं आना चाहिए, किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए कि इतना आपके पास मनी है एक्स वाई जेड। पहले तो सबसे हाइड करके रखना है, दूसरा इसको इन्वेस्टमेंट में लगा देना है, जैसे बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, FD, म्यूचुअल फंड और भी अपने अपने कैटेगरी के अनुसार जो आपको प्रेफरेबल लगे, तो उस जगह पैसा अपना फंसा दीजिए, तो वो पैसा रुक खर्च भी नहीं होगा, रुकेगा भी, बचेगा भी और उसका सदुपयोग भी एटलीस्ट हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके लिए बिजनेस सेक्टर कुछ ज़्यादा बेस्ट दिख रहा है क्योंकि दोनों हाथ में मरकरी लाइन है और मरकरी लाइन मैनेजमेंट को ही इंडिकेट करता है, तो ऐसे व्यक्ति पंचुअल भी होते हैं और बिजनेस में या फिर सर्विस एक प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली अगर देंगे आप तो उसमें भी आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। इसके बाद फैमिली की तरफ से थोड़ा टेंशन आपको रह सकता है क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है। बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे पाल्मिस्ट के द्वारा आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करती है। तो देखिए, शुक्र लग्जरियस लाइफ को ही बताता है लेकिन अगर उस पर आड़ी रेखा हो तो उन सारी चीज़ों में बाधाएं आती हैं। लग्जरियस लाइफ होने के बाद भी व्यक्ति टेंस्ड रहता है। अगर देखेंगे आपकी लाइफ में तो आपके भी लाइफ में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं मिलने वाला है, हर प्रकार की सुख सुविधा रहेगी, अच्छा गाड़ी रहेगा, अच्छा घर बार भी रहने वाला है और समय समय के अनुसार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपकी चेंज होगी, रॉयल्टी भी मेंटेन एटलीस्ट आप कर पाएंगे, लेकिन मानसिक तनाव है, सुख सुविधा नहीं है, यानी सुख सुविधा किस सेंस में, मेंटली लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ की रेखा को अननेसेसरीज वरीज कहा जाता है। तो ये फैमिली को लेकर के थोड़ा टेंशन आपको दे सकता है, तो इसलिए फैमिली के मैटर्स में थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व ना ही करें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो बेस्ट एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आपके अंदर पेशेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ हो रहा है, तो इस कारण से व्यक्ति कोई भी नई चीज़ बहुत जल्दी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मनी के ऊपर आपका फोकस लाइफ में ज़्यादा रहने वाला है, साथ ही साथ आप कभी भी रुकेंगे नहीं, हमेशा सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, इस प्रकार का एटीट्यूड है। तो अपने आप को प्रीप्लान भी रखेंगे, प्रीप्लान रखने का मतलब ये है कि कोई भी काम कर रहे हैं सूझबूझ के, एक एक स्टेप सोच समझ कर ले रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रकार से अपने साथ सप्लीमेंट लेकर के चलेंगे कि एटलीस्ट अगर एक काम नहीं होता तो दूसरा हो जाए, तो ये भी बेस्ट साइन है। अदरवाइज लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, अपनी बात को बड़ी ही सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है।
थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ ज़्यादा अच्छी है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव भी यहाँ पर आपका रहने वाला है। साथ ही साथ आर्टिस्टिक क्वालिटी या क्रिएटिविटी भी आपके अंदर रहेगी, लाइफ में नेम फेम भी आपको अच्छा मिल पाएगा। इसके अलावा देखें तो फर्स्ट फिंगर का थोड़ा सा झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो इस कारण से ये धार्मिक होने के योगों को व्यक्त करता है। अदरवाइज देखा जाए तो फिंगर के फैलेंजेस अच्छे डेवलप है और अंदरूनी मंगल भी डेवलप है, तो शारीरिक गठन मजबूत है, यानी फिजिकली फिट रहेंगे आप, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा हेल्थ से रिलेटेड या फिजिकल कुछ भी। और सीधी खड़ी रेखा कुछ निम्न है, तो फ्रेंडली नेचर भी है, लेकिन फ्रेंड बहुत सोच विचार के आप बनाने वाले भी रहेंगे। यहाँ पर बात करें थंब के साइज पे, तो थंब थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, जो कि फ्लेक्सिबल नेचर को इंडिकेट करता है, तो इस कारण से बहुत जल्दी किसी के भी साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे, किसी भी माहौल में अपने आप को इजिली ढाल भी लेंगे। ये सारी चीज़ें सही हैं एक हिसाब से, लेकिन कोई अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उस पर आपको अड़िग रहना पड़ेगा, तभी लाइफ में आपको ग्रोथ और सक्सेस अच्छी मिल पाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी जैसे जीवन चल रहा है उसके अनुसार फिर ढलने लगता है, जैसे चल रहा है ठीक है देखेंगे बाद में समझेंगे, तो उस कारण से आपकी फेट लाइन अफेक्ट होती है। देखिए यहाँ पर फेट लाइन कितनी कमज़ोर होती जा रही है, जब फेट लाइन कमज़ोर होती है तो मेहनत के अनुसार फिर पैसा भी नहीं मिलता है, यानी मेहनत करेंगे 100 का मिलेगा आपको 50 या 75, और वो 50 या उतना ही मिलेगा और उसमें भी फैमिली या क्या मालूम क्या क्या तो आपको हो जाएगा, तो रहेगा 5 रुपये 10 रुपये, तो फिर क्या मतलब। इसीलिए बात को मेरी समझने का प्रयत्न करिएगा, थोड़ा मैं रफ लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ अभी आपसे, या फिर इस वीडियो में कह रहा हूँ, तो समझने का प्रयत्न करें बस आप। फर्स्ट फैलेंज की लेंथ नॉर्मल है, सेकंड फैलेंज की लेंथ ठीक है, तो विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और बात करें यहाँ पर आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश है, जो कि बहुत अच्छे हार्डवर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो मेहनत से आप कभी भी घबराएंगे नहीं, बहुत अच्छी मेहनत करके जीवन बहुत आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रख रहना, इस प्रकार का नेचर यहाँ पर निकल के आपका आ रहा है। बात करें इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन की, तो कोई भी काम करने के पहले प्रेरणा अच्छी रहती है, प्लानिंग अच्छी करते हैं, डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं, इस प्रकार की गतिविधि है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र थोड़ा कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के आप थोड़े से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हैं, लेकिन आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रॉस का साइन डेवलप है। क्रॉस का साइन यहाँ पर इतना अच्छा इसीलिए माना जाता है, क्योंकि जो स्पाउस आपके रहेंगे लाइफ पार्टनर, वो सर्वगुण संपन्न रहेंगे, आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे, और कहीं ना कहीं वो जो आपको राय भी देंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अटैचमेंट, बॉन्डिंग और लगाव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं कहीं नहीं जा सकती, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आपकी अच्छी मैरिड लाइफ रहने वाली है। और जहाँ तक आपका शादी का क्वेरी था कि मैरिज कब होने के यहाँ पर आपके चांसेस क्रिएट हो रहे, तो देखिए मैरिज के चांसेस आपके तकरीबन 26-27 अप्रोक्स में यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेखा थोड़ी सी और ज़्यादा डीले करवा रही है। लेकिन पाम के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके सपोर्टिव लाइन भी अप्रोक्सीमेटली 27 के एज में ही जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इस एज के आसपास से आपको जो है पार्टनर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर कितने अच्छी, फिर उसके बाद आपकी गार्जियन एंजल लाइन भी चल रही है, तो सपोर्ट उनका देखिए कितना अच्छा है। तो ओवरऑल ये गार्जियन एंजल लाइन एक प्रकार के एम्बिशन को भी बताती है कि व्यक्ति का एम्बिशन जो है पूरा फुलफिल होने वाला भी रहता है। हालांकि देखा जाए तो आड़ी रेखा यहाँ पर ज़्यादा है, तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, धार्मिक भी रहेंगे, आगे चल के सोशल वर्क भी करेंगे। सैटर्न माउंट डेवलप है लेकिन कोई रेखा नहीं है, तो इस कारण से आपको सेटिस्फैक्शन प्रॉपरली मिल नहीं पाता है, कामों में थोड़ा सा डीले या मेहनत के अकॉर्डिंगली पूरा वो जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिल पाता है। तो शनि के यहाँ पर रेमेडीज़ करने आपको ज़रूरी, क्योंकि भाग्य रेखा भी थोड़ी कमज़ोर होते हुए जा रही है, और इसको कमज़ोर नहीं होना, शनि के रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य पर भी रेखा मौजूद है, लेकिन थोड़ी शार्प नहीं है, अभी धुंधली हुई है, तो कोई भी काम में ज़्यादा आपको जो है नाम शोहरत नहीं मिल पाता है। काम तो हो रहा है लेकिन वो धक्के मार करके हो रहा है, ऐसा यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि आपका सूर्य माउंट डेवलप अच्छा है, तो इस कारण से आत्मविश्वास अच्छा होगा, यानी आप किसी भी काम को अपने तरफ से 100% दे करके करते, परंतु उस प्रकार का नतीजा नहीं आ पा रहा, तो सूर्य के भी थोड़े रेमेडीज आपको करने हैं। इसके अलावा मरकरी माउंट ठीक है, अच्छा एरिया ले रहा है, तो एनालिटिकल पर्सनैलिटी रहेगी, वर्क मैनिपुलेशन भी अच्छा कर पाएंगे, एक प्रकार से समझ आपको हर चीज़ की रहेगी कि क्या सही है क्या गलत है, और स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो मरकरी माउंट पॉजिटिव है। और बात करें आपके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा इस प्रकार से निकलते हुए गुरु की तरफ पहुंचा है और एक रेखा सीधे गई है। विष्णु सिंबल हाथ में, यानी स्टार्टिंग लाइफ ट्रबल में रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे सक्सेस फिर अच्छा मिलता है। गुरु से कनेक्शन है, यानी बहुत इमोशनल नेचर है आपका, भावुकता ज़्यादा रहेगी, दिल से ज़्यादा सोचेंगे, ईजिली किसी से अटैच या कनेक्टेड हो जाएंगे, किसी की बातों में जल्दी आ जाना या किसी पे
ट्रस्ट जल्दी कर लेना, किसी से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा करना। बहुत ही लॉयल, ईमानदार और भरोसेमंद आदमी रहेंगे आप। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु से जब कनेक्टिविटी होती है तो ये सारी चीज़ें साइड में रख दी जाए, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहेंगे बहुत ऊँचे पद तक जाने के योग बनते हैं। इसके अलावा राजनीति से कनेक्शन भी होता है, स्पिरिचुअल भी रहेंगे आप, धार्मिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, और ओवरऑल देखा जाए तो दिल के द्वारा अत्यधिक आप निर्णय लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो सीधी रेखा जा रही है ये कार्य के प्रति अच्छी एकाग्रता को व्यक्त करता है। जब वी सिंबल बनता है तो आप जैसे लोग किसी को समझाते बहुत अच्छा है, तो ये जो क्वालिटी है इससे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम की शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा सक्सेस प्रोग्रेस अच्छी होने लगेगी। अब यहाँ बात करें आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन की, तो देखिए माइंड लाइन लाइफ लाइन दोनों एक साथ चल रहे हैं, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा गैप आया, और ये जो उम्र है ये अप्रोक्सीमेटली माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली ये 35 से लेकर के 38 के बीच में है। तो इस एज के बाद से आप जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इमेजिनेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन एक प्रकार से डिक्लाइन जा रही है और एक शाखा ऊपर भी गई हुई है, तो इमेजिनेटिव हो जाएंगे, हर बात के जड़ तक जाना फिर उसके बाद आप पसंद करेंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, कुछ ना कुछ आपकी क्रिएटिविटी निखरेगी और ग्रोथ फिर अच्छी मिलेगी, क्योंकि बायफोर्क अंत में ये माइंड लाइन हुआ है, तो इस कारण से व्यक्ति फिर डिसीजंस अच्छे लेने लगता है, प्रोग्रेस अच्छी होगी। और जैसे बुध से कनेक्टेड है तो व्यापार के क्षेत्र में जाने के योग या व्यापार से लाभ होने के योग भी अच्छे हैं। स्टार्टिंग में लाइफ लाइन अंदर की ओर थी, फिर बाहर की ओर यहाँ पर आप देखें तो बाहर की ओर आई है, तो शुरुआती जीवन में इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर उसके बाद कुछ सुख सुविधाएं आपके जीवन में 19 साल के बाद बढ़ी है। अब आगे चल करके ये 24 साल के बाद जो इंडिपेंडेंट हुई है तो रॉयल्टी भी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं भी बढ़ेगी और ओवरऑल लाइफ में अच्छा ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा हुआ है और हल्की हल्की सी मंगल की ओर से भी रेखा आ रही है, तो फ्यूचर से रिलेटेड थोड़े टेंस्ड आप रह सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 30 के एज में 30 से लेकर 33 के बीच में एक प्रकार से टेंशन रहेगी, और उस समय सपोर्टिव लाइन है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं रहने वाली है। अंदरूनी मंगल ठीक विकसित है, बाहरी मंगल भी अच्छा विकसित है, शारीरिक गठन अच्छा रहेगा, मानसिक बल अच्छा रहेगा, पराक्रम यानी मेहनत अच्छा कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो योद्धात्मक सारी गतिविधि हैं अपने के ऊपर, जब भी आपकी बात आएगी तो आप क्या से क्या कर जाएंगे ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो आपके फैमिली पे प्रॉब्लम आया, आपने जिम्मा उठा लिया, अब क्या चाहिए? तो इसका मतलब यही है कि अपने वो जो एनर्जी है आपके पास उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें और ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिल पाएगी। और देखिए यहाँ पर भी शुक्र डेवलप अच्छा है, लेकिन आड़ी रेखा कितनी ज़्यादा है, तो अननेसेसरी वरीज से आप बचने का प्रयत्न करें, यानी ओवर थिंकिंग मत करिए, किसी बात पे नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, फैमिली के जो मैटर्स हैं उसको चाह कर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ले दे करके थोड़ा ज़्यादा उसको डीपली मत लीजिए। अपने ऊपर करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो फैमिली मैटर भी एक टाइम पे आने के बाद डिजॉल्व यानी ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो अपोजिट जेंडर से फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, शादी के बाद आपका लाइफ बहुत अच्छा है तो डायरेक्ट उसी का सोचिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र अच्छा है तो लग्जरीज अच्छी रहेगी, हर प्रकार की सुख सुविधा आपके जीवन में रहने वाली है, कोई उसमें कमी नहीं है। सीधी कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में अच्छी आने वाली है। शुक्र से कनेक्टिविटी हुई है लाइफ लाइन की, तो फैमिली से कनेक्शन बॉन्डिंग अटैचमेंट अच्छा रहेगा। और केतु के क्षेत्र पर विभाजित जीवन रेखा यात्रा खूब करवाएगी आपको, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्रा भी शुभदायक होगी। ऊपर की ओर जितनी भी ये रेखाएं उठ रही हैं ये बिजनेस में लाभ देगा और हेल्थ में और ज़्यादा सुधार करेगा। मून माउंट ठीक डेवलप है तो मन से भी खुश रहेंगे, और हल्का सा मून लक लाइन भी यहाँ पर निकला हुआ है तो बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस होने के योग भी अच्छे हैं, मदर से अच्छा कनेक्शन अटैचमेंट रहेगा। और यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी बन रहा है, तो खुद के प्रॉपर्टी बनने के योग भी ब्राइट हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अभी ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए अभी भाग्य को मजबूत करिए, कर्म करिए, आगे चल करके सब बेस्ट होगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और कोई अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। और इसके पहले भी बता दूं कि आपके लाइफ लाइन से और भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो सेल्फ मेड लक लाइन आपके हाथ में ज़्यादा शो हो रहा है, यानी आप अपने मेहनत से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, तो खुद के ऊपर भरोसा करिए क्योंकि आपकी मेहनत बहुत अच्छा रंग लेकर के आएगी। तो तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।